ओम शांति। सर्व अविनाशी संपत्ति के मालिक, सर्व प्राप्तियों के दाता शिव बाबा कहते हैं, किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। तो आओ चले बाबा के इस वरदान का स्वरूप बने, अपने आप को देखें। मस्तक के मध्य पर स्थित मैं ज्योतिर्मय आत्मा हूं। महाज्योति शिव बाबा सर्व अविनाशी संपत्ति के मालिक है। मैं आत्मा बाबा का बालक, सो बाबा की अविनाशी संपत्ति का मालिक हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर, सर्व गुणों के सागर वरदाता शिव बाबा द्वारा मुझे सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। बाबा ने अपनी सर्व संपत्ति मुझे वरदान में दे दी है। बाबा की सर्व संपत्ति का मैं वारिस हूं। बाबा की सर्व संपत्ति पर मेरा अधिकार है। जो कुछ बाबा का है वह सब मेरा है। मैं बाबा के वर्से का अधिकारी हूं। मेरे पास सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति है। मैं
श्रेष्ठ संपत्तिवान हूं। मेरे पास सब श्रेष्ठ संपत्तियां है। दुनिया वालों के पास तो सिर्फ स्थूल संपत्ति है जो विनाशी है, और मेरे पास सर्वशक्तिवान की अविनाशी संपत्ति है। मैं श्रेष्ठ संपत्तिवान हूं। देखे अपनी अविनाशी संपत्ति, सामने लाए अपने एक एक गुण को, अपनी एक एक शक्तियों को, अपने ज्ञान के भंडार को, मेरे पास ऐसी अविनाशी संपत्ति है जो और किसी के पास भी नहीं। यह संपत्ति जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूं। मैं महादानी आत्मा हूं। मैं सबको सदा देने वाला देवता हूं। इमर्ज करे अपने देने के संस्कार को। मैं देने वाला देवता हूं। कोई कुछ भी दे, लेकिन मैं सदा हरेक को सुख, शांति, प्रेम, आनंद देता हूं। जिसे जो शक्ति चाहिए वो शक्ति उसे प्रदान करता हूं। सबको देने से यह अविनाशी संपत्ति बढ़ती ही जाती है। मैं वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाला संपत्तिवान हूं।
ओम शांति।